नमस्कार, आप देख रहे हैं आर्यभट्ट न्यूज। खबर मुजफ्फरपुर से है। बिहार विधानसभा में सरकार को घेरने की विपक्ष के द्वारा सदन में आवाज उठाए जाने के बाद सोमवार को मुजफ्फरपुर शहर के जुड़न छपरा स्थित जिला राजद कार्यालय में अब सरकार और प्रशासन को घेरने के लिए कवायद तेज हो गई है। जिले के कई विधानसभा क्षेत्र के राजद विधायक सहित कार्यकर्ताओं ने अब जिला मुख्यालय पर प्रदर्शन और धरना करने का ऐलान कर दिया है। बता दें कि शराबबंदी कानून, जहरीली शराब से मौत और बढ़ती हुई पेट्रोल और डीजल और घरेलू गैस के कीमतों के मुद्दों को लेकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी। वहीं इस दौरान प्रेस वार्ता के दौरान राजद जिला अध्यक्ष एवं पूर्व मंत्री राम विचार राय ने क्या कुछ कहा, देखे इस रिपोर्ट में। जिन्हें घोषणा किया कि 20 तारीख को प्रदर्शन और वहां धरना कार्यक्रम, और विस्तार से अध्यक्ष ने बताया सभी बिंदु पर सरकार जो विफल है, महंगाई से लेकर और विधि व्यवस्था और शराबबंदी के नाम पर खानापूर्ति और शराब माफिया, जो अमीर तरह के लोग हैं, जो बड़े लोग हैं, उन्हीं लोगों के द्वारा अभी तक का जो इस मुजफ्फरपुर जिला का रिकॉर्ड उठा कर देखिएगा तो उसमें जो बड़े लोग हैं शराब माफिया पकड़े गए हैं, अरेस्ट हुए हैं, मैं कहता हूं जेल भी गए हैं, कुछ लोग खुलेआम शराब भी बिकवाते हैं। और चर्चा किया अध्यक्ष जी ने, सही बात है कि उनके स्कूल जिसके उस रक्षक हैं और हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने बड़ी मुस्तैदी से विधानसभा में इस मामला को पूरी पार्टी और पूरा विपक्ष उठाया इस बात को। और उस दिन मैंने देखा कार्यवाही, नेता और पूरा विपक्ष के लोग मांग करते रह गए कि मुख्यमंत्री आकर सफाई दें, लेकिन मुख्यमंत्री सदन में नहीं गए, सफाई नहीं दिए। पुनः राष्ट्रीय जनता दल पार्टी ऑफिस में भी इस बात को रखा है और कार्यक्रम को विस्तार किया है और आगे भी इस पर मैं समझता हूँ कि जो हमारी पार्टी है और जो नेता हैं इस कार्यक्रम को चलाएंगे और महंगाई के खिलाफ और जो भी यहाँ पर सवाल है, जो प्रदर्शन है, उसमें पूरे जोर शोर से उस दिन इस बात को हम लोग उठाएंगे और आम जनता के बीच में इस सब चीज़ को मैसेज देंगे। हम सूरत राय जी हैं, उनके भाई के स्कूल से शराब की भारी मात्रा में बोतल और वहाँ शराब पकड़ाया था, जिसमें उनके भाई के नाम से FIR है। और उस स्कूल के संरक्षक हैं जो माननीय मंत्री जी हैं, और वो चीज़ को हमारे नेता तेजस्वी यादव जी ने विधानसभा में पुरजोर ढंग से उठाने का काम किया, तो इन लोगों ने उसको गलत ढंग से बताने का काम किया है कि हमको अगर कोई माई कलाल पैदा नहीं लिया है जो हमको प्रूफ कर दे तो हम राजनीति के अपने जीवन से संन्यास ले लेंगे। तो मैं कहता हूं कि ये बात आप विधानसभा में जाके बोल सकते थे, लेकिन आज BJP के डर से नीतीश कुमार जी इतने डरे और सहमे हुए हैं कि ये मंत्री का प्रूफ है, FIR में उनके भाई का नाम है, उनका जमीन है और उस स्कूल के ही संरक्षक हैं, लेकिन आज उनको बर्खास्त करने का काम या उनको नोटिस तक देने का काम नीतीश कुमार जी नहीं किए हैं। इसे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि नीतीश कुमार कितने गरीब और कितने बेबस और कितने लाचार और व्यवस्था उनकी बनी हुई है कि अपने मंत्री को वो बोल नहीं सकते। और आज उनके मंत्री, चाहे उनके विधायक, चाहे ऐसे लोग जिनको नीतीश जी का संरक्षण प्राप्त है, वैसे लोग शराब में डूबा हुआ है और शराब जहरीली शराब बनाकर बेच रहा है। आपको दरगाह वाला में भी जाइएगा तो वहाँ मुकेश से लेकर जो लोग शराब बनाने वाले, जो शराब के जो माफिया हैं, वो माफिया लोगों के बारे में पहले कहा गया कि वो दम्मा से मर गए, लेकिन बाद में पता चला तो आज पुलिस खोज रही है। लेकिन आज गरीब के जो बच्चे हैं, जो एक बूंद दो बूंद दारू अगर पी लेता है, तारी पी के अगर वो कहीं बेहोश पड़ा रहता है, तो वैसे लोग 1 लाख से 1.5 लाख वैसे लोग, गरीब के लोग जेल में बंद हैं। लेकिन जो अमीर हैं, जो शराब के कारोबारी हैं,
और मंत्री बन के बैठे हुए हैं, इसे अंदाज लगा सकते हैं कि बिहार सरकार की तमाम घोषणाएं विफलतापूर्ण है और कहीं गरीब के लिए वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। सरकार कैसे बचे, हमारी कुर्सी कैसे बचे, इसी फेर में नीतीश कुमार जी लगे हुए हैं। तो हम आज इस कॉन्फ्रेंस के द्वारा और 20 तारीख के धरना के द्वारा हम लोग मांग करेंगे कि नीतीश कुमार जी, अगर आप राम सूरत राय जी मंत्री को नहीं पद से बर्खास्त कर सकते, अगर आप लाचार हैं तो आप अपनी पहले वाली आत्मीयता दिखाइए और आप वैसे पार्टी से अपना नाता तोड़िए, और नहीं तो आप रिजाइन करके हट जाइए। चूँकि आपकी बदनामी, चूँकि आपका जो किया हुआ काम है, आपने घोषणा किया था कि बिहार में पूर्ण शराबबंदी है, लेकिन पूर्ण शराबबंदी हो नहीं रही है और कहीं ना कहीं जो गरीब लोग हैं उसे मारे जा रहे हैं और बड़े लोग शराब बेच रहे हैं। इसलिए या तो आप उनको बर्खास्त करिए, आ नहीं तो आप स्वयं मुख्यमंत्री से हटने का काम करिए। ये राष्ट्र